राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। उनका ना एक कॉस्ट्यूम मैंने भाड़ा पे लेके आई थी, तो उसका ना डांस क्लास में श्री कृष्णा का सूट था, तो वहाँ पे ना कलर फेस में डालने वाला था। मैं ना सर का मैसेज आया था जो फेस में कलर कैंसिल कर दिया, तो नमन ने तो पहले ही कलर खरीद लिया था। इसके लिए मैंने नमन को बोला था जो तुम घर पे आके फेस पे कलर करके हम लोग बिल्डिंग का नीचे वीडियो शूट करूंगी श्री कृष्ण गाने पे। मीटिंग में ना नमन गुस्सा हो गया था क्योंकि उसका फेस नहीं दिख रहा था और वो खुद ही कलर कर रहे थे फेस पे। और उसका ना बड़ा भाई बोल रहा था मैं हेल्प कर दूँ भैया, तो वो बोल रहा था नहीं मैं खुद ही करूंगी। थोड़ा टाइम वो खुद करना चाहते थे, इसलिए ना उसका बड़ा भाई के फेस पे कलर करने के लिए नहीं दिया। और मैंने ना मोबाइल पकड़ के बैठी थी उसको फेस दिखाने के लिए। उनका ना काजिन ब्रादर भी था, तो उसको भी मैंने कृष्णा सजाया हूँ, लेकिन उसका फेस पे ना कलर नहीं डालूँ क्योंकि वो छोटा बच्चा है ना, तो कलर का कुछ इफेक्ट आ सकता है, इसके लिए मैंने नहीं डाला हूँ। मैं नमन को बोली थी नमन से आप फेस में ही कलर कीजिए, गोला में मत कीजिए, लेकिन वो ना नहीं मान रहा था। वो बोल रहा था उसका बड़ा भाई को दादा मेरा गोला में भी करना है और हाथ में भी करना है, तो पूरा कृष्णा बनना है मुझे आज। उनका ना एक छोटा भाई है, वो उस टाइम वो भी बोला था मेरा भी फेस पे कलर करना है, तो मैंने मना किया और इसने भी उसको मना किया था। हम बोलते तुम अभी छोटा हो, फेस में कुछ भी कलर का इफेक्ट आ सकता है। इसके लिए वो उसको बहुत समझाया तो वो मान गया, बोल रहा था ठीक है मैं फेस पे कलर नहीं कर रही हूँ। बार बार उसका फेस देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं और मैं उसको नहीं दिखा रही, तो वो फिर से मेरा पास आके फोन लेके वो फेस देख रहा था। और वो ना हाथ से भी उसका फेस का कलर निकल रहा है और पूरा ड्रेस में गंदा कर रहा था, तो मैंने उसको मना किया था जो ऐसा मत करूं। थोड़ा घूम, हाथ को भी करूंगा। ना उस का बड़ा भाइयों को बोला था नोज पे मत डालो, तो थोड़ा सा नोज पे गया था तो नमन को गुदगुदी बहुत हो रहा था। ए उधर लगा है, ध्यान से करना उधर। हाँ की हाँ की बोल रहे मैं थोड़ा भैया के साथ बातें कर रही थी, तो मेरा भैया बोल रहे थे मैं शाम को ऑफिस चला जाऊंगी, तो मैं उसको मना कर रही थी जो अभी मत जाओ, तो रात का डिनर करके ऑफिस चला जाना। यहाँ पे ना बोल रही थी जल्दी कलर करने के लिए क्योंकि शाम होने को आया है, तो नीचे में शूट नहीं कर पाऊँगी, अंधेरा हो जाएगा। तो और नमन ना उसी टाइम बोले मेरा को कान में भी कलर करना है, तो मैंने उसको मना किया लेकिन वो नहीं सुना। कान में तो बोल देना, कान में नहीं करना है। नहीं कान में मत कर, करना है मुझे पूरा कृष्णा बनना है, वरना मैं नीचे नहीं करके दूंगा। मैं बोला ना कान में नहीं करना है, इसलिए मैं उधर स्लो कर रहा हूँ। पहले तो फेयर लवली मांगना चाहिए तेरा। अरे फेयर लवली मांगता तो ये पोस्टर कलर खराब हो जाता। नहीं होता। अरे अच्छा ले ले ले, बोला था क्रीम वगैरह मत मांगना इससे पहले, इतना खराब हो जाएगा पूरा, निकलेगा ही नहीं। हाँ सुधर मत कर ज्यादा। तो तेरे आँख में करूँ क्या? नहीं करूँ, दे 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 मैं लगा देती। बंद करना आँख, बंद कर पूरा। टाइम का बाद नमन का फेस पे और हाथ पे कलर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग नीचे जाके वीडियो शूट कर रहे थे, तो नमन और आयु ना बांसुरी गलत पकड़े थे, तो उसको मैंने बोल रही थी अभी बराबर से बांसुरी पकड़े। और थोड़ा टाइम का बाद उन लोग ने हिलने का कोशिश किया, तो थोड़ा सा आगे जाके वो भी हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा सा वीडियो शूट किया हूँ। और थोड़ा टाइम के बाद उन लोग गिरने ही वाला था, पोज जो दिया था ना, तो ज़्यादा टाइम खड़ा नहीं हो पाया था। क्या बात? दूसरा पोज, अभी दूसरा पोज दे।
हम लोग एक बंगाली सॉन्ग में शूट कर रही थी, तो वही बंगाली सॉन्ग में आप लोगों को सुनाती हूँ। गोपाल के बेंधे राखीस ने माँ छेरे दे माँ जननी, गोपाल के बेंधे राखीस ने माँ छेरे दे माँ जननी ना। यहाँ पे थोड़ा सा गिर गया था, तो बाद में मैं मेरा दो कृष्णा का लेके वहाँ पे बैठ के एक वीडियो किया था, तो मेरा बैक साइड में भी मेरा लड़का जाके शूट किया था। और अभी हम लोग ना यहाँ पे बहुत ही कृष्णों के लेके मस्ती कर रहे थे, तो और बिल्डिंग में ना बहुत सारा जो ना के खा रहे थे, तो उन लोग भी सब लोग हम लोग को बोल रहे थे कृष्णा तो बहुत अच्छा सजाया है। वहाँ पे ना एक भाभी भी आए थे, तो वो भी हमको बोल रहा था जो छोटा जो कृष्णा बना ना तो उसका भी फेस पे कलर डाल देता तो बहुत अच्छा लगता था दोनों को। तो मैं उसको ये बता रही थी कि वो छोटा है ना तो फेस में कुछ इफेक्ट आ जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इसके लिए मैं उसको नहीं डाली। तो नमन उसके बाद ना घर पर आ गया था ना, नमन थोड़ा गुस्सा कर रहा था क्योंकि मैं उसको बोली थी फोटो एक दो खींच के हम लोग घर पर चला जाएगा, लेकिन मैं फ़ोटो नहीं ले रही थी, वीडियो कर रही थी। और बाद में वो बोले थे मामी आप फ़ोटो ले लीजिए, फटाक से हम लोग घर पे चला जाएंगे, सब लोग मुझे देख रहे हैं। तो बाद में छोटा कृष्णा को लेके मैं वहाँ पे थोड़ा टाइम फ़ोटो खींचा था। उसका नाम है आयन, जो राधा का पति था उसका नाम भी आयन था। तो आयन ना मुझे बोल रहा था उम्र में रोशनी बांध के, तो भैया का जैसा आपने वीडियो किया मेरा को भी उस टाइप का वीडियो करना है। तो ये देखिए मैं उसका भी कमर में कपड़ा बांध दिया था, तो मैं भी उसको लेके इधर उधर घूम रही थी, तो वो ना खुद ही घूम रहा था। बाद ना हम लोग वही गाने पे यहाँ पे भी शूट किया था, तो गाना है गोपाल के बेंधे राखीस ने माँ छेरे दे माँ जननी, गोपाल के बेंधे राखीस ने माँ छेरे दे माँ जननी। पे ना मैं छोटा कृष्ण को गोद में लेके एक किस भी किया था। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, शुभ जन्माष्टमी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।